हरी बोल हरी बोल हरी बोल, जय जय श्री राधे 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 ब्रज वास राधे। मित्रों आप सबका मित्र सखा दोस्त दास अनुदास दास दीपक मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर हाजिर है आज मन के भावों में बहुत प्यारा भजन लेके। आज पवित्र पावन इंदिरा एकादशी पर, जी हाँ आज 2 अक्टूबर पवित्र पावन इंदिरा एकादशी, जो कि एकादशी रखने से हमारे अनंत जन्मों के पापों का नाश होता है और हम नारायण का अंश है और यही भूले बैठे हैं। तो आइए इस भाव के माध्यम से आपको मैं समझाना चाहूंगा कि हर नर में नारायण, यहाँ नर में नारायण की बात नर और नारी दोनों को लेकर है। तो हर जीव में नर में नारी में, मतलब हर जीव में नारायण है। तो इस भाव को समझ लीजिए कि हर नर में नारायण है, फिर भी हर नर नारायण को भूला। जी हाँ यही सच्चाई है, हम अपने श्री हरि को भूल के बैठे, इसलिए रोज दुख तकलीफ में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इससे पहले कि इस भाव में आगे बढ़ूं, दास का ये YouTube चैनल श्री हरि का दास दीपक, जो भी भक्त पहली बार सुन रहा है रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि भक्ति मार्ग पे आप मेरे साथ अपडेट रहे। तो चलिए मेरे साथ इस प्यारे से सुंदर भजन की ओर और अंत तक जुड़े रहिएगा। अंत में मैं बताऊंगा कल सुबह पारण का समय क्या है। जी हाँ आज पवित्र पावन एकादशी पे आइए हरि का ये कीर्तन करते हैं, चलिए मेरे साथ हरि बोल। तो मित्रों जैसा कि मैं आप सबके समक्ष एक सुंदर भाव प्रस्तुत करने वाला हूँ, इससे पहले आप दोनों कानों में हैंड फ्री लगा लीजिए। जी हाँ दास का भाव टेबल की थाप पर, आप सब मेरी तारीफ करते हो कि प्रभु जी आप टेबल बड़ी सुंदर बजाते हो, मुझे टेबल बजाना बहुत अच्छा लगता है स्कूल टाइम से, ये तो खैर मैं कई बार बता चुका हूँ। ठीक है बाकी थोड़ा बहुत संगीत का थोड़ा प्रभु की कृपा से जानकार हूँ क्योंकि बचपन से म्यूजिशियन रहा हूँ स्कूल टाइम से। तो आइए टेबल की थाप पे, क्योंकि दोनों कानों में हैंड फ्री लगा लोगे ना तो रिदम आपके कानों में बहुत अच्छी सुनाई देगी। तो भाव ये है कि हर नर में नारायण, यही बात है हर नर में नारायण, और यही विडंबना हम अपने हरि को भूले बैठे तभी आज हम सब पतन की ओर बढ़ रहे हैं। तो आइए पहले बिगर समय गवाए ये भाव सुनते हैं और भाव के अंत में बताऊंगा कि कल पारण का समय द्वादशी को क्या है। हर नर में नारायण, ध्यान दीजिएगा थोड़ा गला ज्यादा हिला हुआ है। हर नर में नारायण है फिर भी हर नर नारायण को भूला, हर नर में नारायण है फिर भी हर नर नारायण को भूला, माया में अंधा हो कर वो, माया में अंधा हो कर वो अपने लानत है सनातन धर्म। इतने पवित्र जन धर्म में जन्म मिलने के बावजूद भी अपना धर्म की कदर ना करके ना जाने कहां कहां भटक रहे हैं, पता है क्यों? ये हमारे पाप हैं। जो अपना धर्म छोड़ के कहीं और चला जाता है, जो देवी देवताओं की चौखट हरि की चौखट छोड़ के कहीं और चला जाता है, उसका पाप जागृत हो जाता है और उसको भटकाने ले जाता है। ये बात आप समझ लीजिए, दास की एक एक बात सत्य होगी, समझ लीजिएगा मेरी बातों पर विचार चिंतन कीजिएगा। हर नर में नारायण है फिर भी हर नर नारायण को भूला, हर नर में नारायण है फिर भी हर नर नारायण को भूला, माया में अंधा हो कर वो, माया में अंधा हो कर वो अपने छत्र छाया में बना रहता है। एक एक भाव को समझिएगा और जो पहला अंतरा आराज को ध्यान से समझिएगा।
करता हुआ पाप मतलब भोगों की गलियों में भटक रहा है। और अंत में क्या कहा गया है इस भाव में, यही गलियां तुझे ले जाएंगी, तुझे नर्क का रास्ता दिखाएंगी। हरे नर में नारायण है फिर भी, हरे नर नारायण को भूला, हरे नर में नारायण है फिर भी। ये सच्चाई है। प्रभु कहते तू अपने मनमानी करता कर, गीता में बोला है। अर्जुन ने पूछा था प्रभु आप इंसान अगर गलती करता सब में आप हो तो आप उसे रोकते क्यों नहीं हो। श्री कृष्ण कहते हैं मैं इंसान के कर्म में इंटरफेयर नहीं करता, अर्थात मैं सिर्फ उसके कर्मों का फल देता हूँ। इसलिए आप जो कर रहे हो ना अपनी बुद्धि के अनुसार कर रहे हो, बस फल भी आप भुगतोगे। अच्छा कर रहे हो तो उसका फल भुगतोगे, बुरा कर रहे हो तो उसका फल भुगतोगे। लेकिन अगर हरि की भक्ति कर रहे हो, हरि का एकादशी का उपवास कर रहे हो, तो इस जन्म मरण के मृत्यु से चक्र से निकलकर सदा सदा के लिए अपने हरि के धाम में पहुंच जाओगे। हरे नर में नारायण है फिर भी, हरे नर नारायण को भूला, हरे नर में नारायण है फिर भी। एक एक बात पे मेरा ध्यान देना, एक एक शब्द को सुनना, अच्छी लगे तो अपने जीवन में उतारना, इसे धारण करना। मैं वही गाता हूँ जो मेरे श्री हरि लिखवाते हैं, मेरे प्रिया प्रीतम लिखवाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे अंतरे की ओर। क्या कहा है, ध्यान समझने, ध्यान से समझने वाला दूसरा भी। किस बात पे इतना करता तू, किस बात पे घमंड तू करता है, किस बात पे। आप में सब में अकड़ है ना, मैं मेरे की, धन दौलत की, यश कीर्ति की। अरे मूर्खो ये जीवन नश्वर है, इस धरा का धरा पे ही धरा रह जाएगा। ध्यान दीजिए जो अकड़ते हैं ना, इस धरा का तेरा धरा पे ही धरा रह जाएगा। तू खाली हाथ आए था, खाली हाथ जाएगा। और किस काया मतलब किस काया शरीर मतलब किस काया पे गुमान तू करता है बंदे, ये काया भी छोड़ यहीं जाएगा। खाली हाथ आए था तू, खाली हाथ आए था, खाली हाथ आए था तू, खाली हाथ जाएगा। मुट्ठी बांधे आए था और खुली मुट्ठी जाएगा। किस बात पे इतना करता तू, किस बात का घमंड तू करता है, किस बात पे इतना करता तू, किस बात का घमंड तू करता है। जिस माया पर तू फूलता है, वो माया तो एक धोखा है। इस अच्छी बात प्रभु ने लिखवाया कि किस माया पर फूलता है तू, माया तो एक धोखा है। माया का मतलब होता है भ्रम। हमें भ्रम होता है कि हम करोड़पति हैं, अरबपति हैं, लखपति हैं, हम पद प्रतिष्ठा में एमएलए पार्षद हैं, फलाने हैं, ढिमकाने हैं, हम बाहुबली हैं। भ्रम में रहते हो, हम एक नश्वर शरीर हैं और माया के चक्कर में लपेट के माया हमसे पाप ही पाप करा रही है। आप हम माया नहीं कमा रहे, माया हमें अपना दास बनाकर रखती है और हमारी बुद्धि फेर के हमसे पाप ही पाप कराती है। और यही माया तो इंसान के पतन का द्वार है, और माया में पड़कर हम पाप ही पाप बटोर रहे हैं। इस माया जय जय श्री राधे 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 ब्रज वास करा दे श्री राधे।
उम्मीद करता हूँ दास का ये भाव आपको पसंद आया होगा और समझ आ गया होगा कि हम माया में अंधे होके पाप ही बटोर रहे, और ये सच्चाई है। माया मतलब भ्रम, हमें भ्रम है हम लखपति करोड़पति है, और हम ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के मालिक है, फैक्ट्री के पत्नी, दुनिया चाय का हमें भ्रम हो गया। और माया एक भ्रम, ये एक धोखा है। माया मतलब भ्रम मतलब धोखा, हम धोखे में रह रहे हैं, माया में धोखे में रह रहे, हम धोखे में रह रहे हैं कि हम मायापति हैं। असल में मायापति तो श्री हरि हैं, क्योंकि श्री हरि की दो ही हैं, श्री हरि कहते हैं या तो मैं हूं या मेरी माया। माया चाहिए तो भटको माया में उसी भ्रम में, और मैं चाहिए तो जपो मेरा नाम सुबह शाम, बस प्रेम करो। प्रभु कभी नहीं कहते मेरी गुलामी करो, प्रभु कहते बस मुझसे प्रेम करो, ना जप से, ना तप से, ना धूप से, ना अगरबत्ती से, मेरा गोविंद मिलेगा तो सिर्फ प्रेम भक्ति से, उससे। बस दो ही कंडीशन है, कुछ मांगना नहीं गोविंद से, कामना रहित, इच्छा रहित, और नित्य प्रेम करो। मैं गोविंद तेरा और तू ही मेरा, मतलब तेरे सिवा कोई नहीं मेरा, मैं तेरा और हरि तू ही मेरा। बस इच्छा की कोई भी कामना मत रखना, किसी भी प्रकार की दुनिया की संसारिक इच्छा की कामना त्याग कर सदैव नित्य अपने जो हरि को प्रेम करता है उसे एक दिन भगवत प्राप्ति जरूर होती है। बोलो श्री हरि नारायण की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण की जय, बोलो वृंदावन धाम की जय, मेरे श्यामा श्याम की जय, प्रभु सीता राम की जय, एकादशी मैया की जय। और कल पारण का समय 3 तारीख को सुबह 6:15 से 9:30 का है, तो उम्मीद करता हूँ दास का ये भाव समझ आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक तो बनता है यार, और एक कमेंट भी बनता है और शेयर भी बनता है। देखो मेरे साथ जुड़े रहो, मैं कोई भक्त नहीं हूँ, आप ही की तरह आम इंसान हूँ, भोग वासना की गलियों में फंसा हुआ था और आज भी हूँ। ये तो श्री हरि ने पकड़ लिया जो मन में अपने भाव उतारते हैं। मैं तो स्कूल नहीं पढ़ा, 6th 2 बार 9th 2 बार 10th पता नहीं कैसे हो गई, उसके बाद कर्मों के हिसाब से जो कर्म लिखवा गया था भटक ही रहा था। मुझे क्या पता था मेरी श्री हरि राधा रानी, पता नहीं दयामयी करुणामयी राधा रानी मुझ पे किस अदा पे अदा, तो मेरे अंदर थी नहीं, पता नहीं क्यों मुझ पे रीत जाएंगी, मुझ पे कृपा कर देंगी और मुझे ब्रज गलियों में ले आएंगी, मेरा हाथ पकड़ के तो मेरी राधा रानी ले गई है, तो मुझ पे तो कृपा बरस रही है। इस मामले में मैं कहता हूँ मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, बहुत धनवान हूँ, आज सदा मेरी वाणी में श्री जी की कृपा से राधा गोविंद सीताराम सदा रमा रहता है, मैं नाम में रूप डूबा रहता हूँ, नाम मुझ में रमा रहता है, अर्थात प्रभु ने मुझे अपने में रमा लिया और नाम मेरे अंदर बसा दिया। तो आज जो भी भाव मिले, मैंने जो भी सुना है श्री हरि की कृपा से, आज के वीडियो को यहीं विराम करता हूँ। फिर बोलता हूँ शेयर करो शेयर करो शेयर करो, मेरे क्या अच्छे अच्छे विचार संतों के शेयर करो, सुनो और जीवन में उतारने की कोशिश करो। संत मतलब चलती फिरती धर्म की वेद पुराण शास्त्रों की पाठशाला, इनका सम्मान करो, इनको सुना करो, इससे ज्यादा आज मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। फिर बोलूंगा एकादशी मैया की जय, और आपको आज इंद्र एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी एकादशी रखे उनका कल्याण हो, और जो ना रखे वो भी भक्ति मार्ग में चले, वो भी एकादशी रखनी शुरू करे, जब जागो तभी सवेरा, बस बात खत्म। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे बहुत अच्छे भाव के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे, राधे राधे ब्रज वास करा दे, राधे श्याम सीताराम।